देखो साहब, जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। राम राम सा खमा गणी जय श्री कृष्ण ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी सब भाग 186 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, मेरी जिंदगी में इतनी भगदड़ मची हुई है कि ऐसा लगता है मारे किस्मत भगवान नहीं एकता कपूर लिखी है। देखो सा, घर में घुसते ही किसी लेडीज की चप्पल दिख जावे तो कोई भी आदमी सर्रा बाल सवार वगैरह महीने को नहीं जावे। एड़ा संस्कार कट्टे मिले। यमराज जी बोले, मैं थारी जान लेन वास्ते आयो हूँ। तबा रमेश जी बोले, ले जाओ वा पड़ोस में रहे। जींस का दुख और पजामे का सुख खुजली के वक्त ही पता चलता है। ऑडी कार का सीईओ अपने कार की अधिक कीमत होने के बाद भी बहुत ही उसकी खूबियां गिना रहा था। इसमें 12 एयरबैग्स है, सेफ्टी है, ये है वो है, साथ ही बहुत सारी सुविधाएं बता रहा था। तो हमारे रमेश ओडी बात काटते हुए बोलियो, भाई तो सेफ्टी तो चिंता ही मत कर, मारे तो साई बाबा गणपति बप्पा डैशबोर्ड माते ही रही और रियर व्यू मिरर माते हनुमान जी, बम्पर माते नींबू मिर्चा और स्टीयरिंग माते लाल माता जी की चुंदड़ी हैंग रेडी है। तू तो सिर्फ भाव कम करे जी की बात कर। साबुन और सैनिटाइजर के लाखों वायरस मारने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि अब किसी को स्वर्ग नसीब होगा। अपनी बीवी चांदी और दूसरों की बीवी सोना, अपनी खासी खासी और दूसरों की खासी कोरोना। पत्नी से जमकर पिटाई होने के बाद रमेशिया अपनी सीबीआई से जांच करवाना चाहता था, फिर उसे पता चला कि सीबीआई तो सीन रिक्रिएट करती है, तो उसने ख्याल ही छोड़ दिया। मास्क नहीं पहनने की वजह से भाभी जी का चालान काटने वाला हवलदार तब बेहोश होते होते बचा जब भाभी जी ने बोला, भैया ठीक ठीक लगाओ ना चालान, हर बार तो यहीं से कटवाते हैं। अर्ज किया है, मिलो तक चलता रहा यूं ही मोहब्बत का कारवा, न लैला ऊंट से उतरी और न मजनू ने पीछा छोड़ा। पहले मास्क पहनने में ना बहुत ही घबराहट होती थी, बेचैनी सी लगती थी और सांस फूलने लगती। फिर एक दिन अचानक 500 रुपए का चालान कट गया, अब कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी कत्ल करने की उनकी साजिश तो देखिए, पास से गुजरे तो मास्क हटा दिया। अगर आंसुओं की कीमत होती तो कल रात वाला तकिया अरबों का होता। बेलन का तो बस नाम ही बदनाम है, आदमी अधमरा तो लुगेरा ताना हुनर नहीं हो जावे। सवाल, मोदी जी ने मोर को दाना डाला, इससे कौन सा पक्षी नाराज हो गया? जवाब, वी पक्षी। एक सेकंड के इस मंत्र से केवल अपने दोस्तों को वश में करें। पिएगा क्या? एक आदमी रमेशन कहवे, बैंक में खाता है? नहीं रे भाई, मैं तुम्हारे घर में खाता है। काढ़ा बनाने की विधि बताकर पड़ोसन ने 8 दिन बाद मुझसे पूछा, भाभी जी अब आपकी और भाई साहब की इम्यूनिटी कितनी बढ़ी? तो मैंने बोला, पहले आपके भाई साहब और हम झगड़ते थे तो 1 घंटे में सांसें फूल जाती थी, अब हमारा हमसे 5-6 घंटे झगड़ सकते हैं। देखो सामारा में से उन दिनों दारू छोड़ दी, जिन रात मोबाइल लाइट जलाने 2 घंटा मोबाइल ढूंढियो। मार साहब के रमेश ने के रहीम का एक दोहा सुनाओ। तो रमेश ये बोले, सर मने को नहीं आवे। तो मार साहब के जीतो आवे क्या? उतो ही हुना। तो रमेश ये बोले, कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं तो क्वार्टर पिलाने से क्या फायदा? तो मार साहब के शट अप, चला जा यहाँ से, ड्यूटी पे मन डोला रहा है। रात को अगर 11 बजे की चाय बनाने उठो तो घर रहा 6 लोग छाए पूछ लानी, तो मजा ले उनमें नो एक भी ना कर दे। वे टॉयलेट में छिपकर कॉल करने वाले भी अपनी गर्ल्स सखी से ये कह रहे होते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डर किस बात का? देखो सामा, रमेश कहे, आज रो ज्ञान, एक छोरी ने 50 बार प्रपोज करने री बजाय 50 छोरिया ने 1-1 बार प्रपोज कर दो, कई ध्यान कटी तो सेटिंग बैठे। मैं कहे हमारे रिश्तेदार ने, कैसे हैं आप? तो रिश्तेदार बोले, जी बस आपकी दुआ है। तो पच में हिसाब और किताब लगायो कि अबे तक तो मैंने लटक जाना चाहिए। तो जैसे हनी प्रीत राम रहीम को पिता मानती थी, वैसे ही रिया महेश जी को पिता मानती है। खाने पीने की चीजों पर गौर कीजिए, कुछ न कुछ संदेश तो देती ही है। जैसे जलेबी, आकार मायने नहीं रखता, स्वभाव मायने रखता है। जीवन में उलझने कितनी भी हो, रसीले और मधुर रहो। रसगुल्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीवन आपको कितना निचोड़ता है, सदैव अपना असली रूप बनाए रखे। लड्डू, बूंद बूंद से लड्डू बनता है, छोटे छोटे प्रयासों से ही सब कुछ होता है। सोहन पापड़ी, हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता, लेकिन बनाने वाले ने कभी हिम्मत नहीं हारी, अपने लक्ष्य पर टिके रहिए। बेसन के लड्डू, दबाव में बिखर जाना आखिर नहीं होता, फिर से बन के लड्डू तो हुआ जा सकता है। गुलाब जामुन, सॉफ्ट होना कमजोरी नहीं है,
ये आपकी खासियत भी है। काजू कतली आपकी आंतरिक गुणवत्ता आपको सबसे अलग बनाती है। राम राम सखामा गणी जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक और कमेंट जरूर कर जाओ। ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।